हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.9, जो ये स्टार्टअप मैथमेटिक्स की बुक है फोर्थ क्लास की। इसका जो चैप्टर 5 है उसकी एक्सरसाइज है ये 5.9। तो इसमें सारे क्या है, हम इसमें करेंगे सारे प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती है ना, प्रॉब्लम्स हम जिनको बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, रिचल हैज पैकेट्स ऑफ स्टिकर्स विद 125 स्टिकर्स इन ईच, हाउ मेनी स्टिकर्स डज सी हैव ऑल टुगेदर। अभी क्वेश्चन में ये बोला गया है कि रेचल के पास 9 पैकेट हैं स्टिकर्स के और हर पैकेट में 125 स्टिकर्स हैं। तो बताओ हाउ मेनी स्टिकर्स उसके पास, बताओ टोटल स्टिकर्स के पैकेट कितने होंगे, मतलब पैकेट नहीं सॉरी स्टिकर्स कितने होंगे। पैकेट तो 9 है उसके पास। तो चलिए करते हैं। देखो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ स्टिकर्स इन 1 पैकेट में कितने स्टिकर्स हैं, 125 है। अब नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं, 9 है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स हमें बताने हैं तो क्या करेंगे, 125 को मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे 9 से तो हमारे टोटल स्टिकर्स निकलाएंगे कि 9 पैकेट में कितने स्टिकर्स हैं, ये वो निकलाएंगे। हम करेंगे 125 की 9 से मल्टीप्लाई तो 1125 आ जाएगा, ये मतलब टोटल स्टिकर्स हैं उसके पास 9 के 9 पैकेट्स में, ठीक है। अब है क्वेश्चन 2, हरिति एंड नोनी ज्वाइन स्विमिंग क्लासेस ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन फॉर ए मंथ। क्वेश्चन में कहा गया है हरिति और नोनी एक स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करती हैं अपनी गर्मी की छुट्टियों के दौरान। द फीस फॉर स्विमिंग क्लासेस इज रुपीज 1350 पर पर्सन फॉर ए मंथ। जो स्विमिंग क्लासेस की फीस है वो एक महीने की पर पर्सन 1350 है। दे गेव 3000 रुपीज टू द इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर था जो स्विमिंग सिखाता था उसको उन्होंने 3000 यानी 3000 रुपए दिए हैं। हाउ मच मनी शुड दे गेट बैक, बताओ उनको वापस कितने रुपए मिलेंगे 3000 में से। ये क्वेश्चन मतलब लग तो लेंदी रहा है पर मुश्किल नहीं है, करेंगे तो इजी ही लगेगा। तो चलिए करते हैं। देखो फीस पेड फॉर 1 पर्सन के लिए कितनी फीस देनी है, पर पर्सन 1350 रुपीज है ये, ठीक है। फीस दैट शुड बी पेड बाय बोथ द गर्ल्स, अब दोनों लड़कियों को कितनी फीस देनी चाहिए, जब एक ने इतनी दी है तो दो ने कितनी देनी पड़ेगी, दो को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे टू को, तो कितना आ जाएगा, टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपी आ जाएगा 2700 रुपी दोनों लड़कियों की फीस लगेगी। अब फीस दे पे टूगेदर उन्होंने इकट्ठी कितनी फीस पे की है, 3000 टोटल रुपीज उसने इंस्ट्रक्टर को दिए हैं। आप इसको थोड़ा घुमा फिरा के भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है एज इट इज, ये मतलब ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है आप ऐसे ही लिखें। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दे गेव टू द इंस्ट्रक्टर, मतलब रुपीज गेव टू द इंस्ट्रक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उन्होंने दिए 3000, अब द अमाउंट दे शुड गेट बैक, उनको कितना अमाउंट वापिस मिलना चाहिए, क्या करेंगे रुपीज 3000 से उसमें से 2700 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, रुपए इतने वापस मिलेंगे, ठीक है। तो अब करते हैं, उसको 300 रुपए वापस मिलेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में है, ए स्कूल हैज 2146 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में बोला गया है एक स्कूल में 2146 स्टूडेंट्स हैं। देर आर 14 स्कूल बसेज, और स्कूल में कितनी बसेज है, 14 स्कूल की बसेज है। इफ एक बस में 85 स्टूडेंट्स ट्रेवल करते हैं तो बताओ हाउ मैनी स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बताओ दूसरे ट्रांसपोर्ट से कितने स्टूडेंट स्कूल में आते हैं। अब देखो स्टूडेंट, द टोटल स्टूडेंट इन स्कूल में कितने हैं, 2146। वन बस कितने ले जा सकती है, वन बस कैरी स्टूडेंट्स 85, तो 14, क्वेश्चन में बोला गया कि 14 बसेज हैं, तो 14 वन बस 85 लेगी
तो 14 बस कैरी स्टूडेंट्स कितने लेके जाएगी, 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 85 से, तो क्या आ जाएगा 1190 स्टूडेंट्स, यानी 1190 स्टूडेंट्स को 85 बसेस लेके जाती हैं। इट मीन्स 1190 स्टूडेंट्स कम टू द स्कूल बाय बस। इसका मतलब क्या है कि ये स्टूडेंट बस से स्कूल आते हैं। अब टोटल स्टूडेंट थे 2146, उसमें से जो बस वाले स्टूडेंट है उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी क्या मिलेगा हमें, जो बाकी मिलेगा इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट्स अदर किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से स्कूल में आते हैं, चाहे वो किसी भी ट्रांसपोर्ट का यूज करें। अब इसमें से माइनस कर दिया तो ये मिल गया 956, तो लिखेंगे स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये था क्वेश्चन 3। अब करेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में है सीमा बोट 3 dozen चॉकलेट, सीमा ने 3 dozen चॉकलेट खरीदी, 4 dozen पैकेट ऑफ बिस्किट के खरीदे एंड 6 dozen कार्टन ऑफ मैंगो जूस फॉर हर शॉप, अपनी दुकान के लिए ये उसने सामान खरीदा। इफ वन चॉकलेट कॉस्ट, यदि एक चॉकलेट की कीमत 18 रुपए है, एक पैकेट ऑफ बिस्किट की कीमत 22 रुपए है और 1 carton ऑफ मैंगो जूस की कीमत है ₹325, बताओ हाउ मच डिड सीमा पे इन ऑल। सीमा ने बताओ कितने रुपए पे किए हैं सारे सामान के लिए, और हिंट गिवन है कि 1 dozen में 12 होते हैं। कोई भी चीज ऐसे 1 dozen के लिए खरीदते हैं तो उसमें 12 केले मिलते हैं हमें। अब देखो सबसे पहले करेंगे हम चॉकलेट्स को सॉल्व। चॉकलेट उसने कितनी खरीदी है, सीमा बोट 3 dozen, 3 dozen उसने चॉकलेट्स खरीदी हैं। अब 1 dozen में होते 12, तो 12 को लाई कर देंगे क्योंकि उसने खरीदी थी 3 dozen, तो 36 आ गया। अब कॉस्ट दे रखी है एक चॉकलेट की ₹18, तो 18 आ गया एक की, तो 3 dozen चॉकलेट की कितनी होगी, 3 dozen यानी 3 dozen की जगह आप यहाँ भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने निकाल लिया कॉस्ट ऑफ 36 चॉकलेट, 36 की कितनी होगी, आप 36 ही लिखना है क्योंकि ऊपर लिख लिया, ऊपर नहीं लिखा होता डायरेक्ट निकालते तो यहाँ पे हम मतलब दोबारा से ये लिखते निकाल लिया, अगर डायरेक्ट तो ऐसे लिखते 12 × 3, तो क्या करेंगे 18 की 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा ₹648 आ गया। अब ये क्या आया है टोटल कॉस्ट ऑफ चॉकलेट की, तो टोटल कीमत ये आ गई। अब निकालेंगे बिस्किट्स की, उसने बिस्किट सी बोट 4 dozen उसने बिस्किट खरीदे हैं, कॉस्ट ऑफ 1 packet बिस्किट की कीमत कितनी है ₹22। अब कॉस्ट ऑफ 4 dozen पैकेट ऑफ बिस्किट्स, अब इसमें मैंने डायरेक्ट लिख दिया एक स्टेप में, उसमें मैंने ऊपर सोल्व कर दिया था 4 dozen पैकेट की ऑफ बिस्किट्स की है 22, जो एक पैकेट की कीमत है, और 4 dozen उसने खरीदे हैं और 1 dozen में 12 होते हैं, तो इसलिए 4 को 12 से ये और 22 को, तो आप इसमें अलग स्टेप में से 48, ठीक है। अब 22 की 48 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 1056। ये किसकी कीमत आ गई, टोटल कॉस्ट ऑफ बिस्किट्स ₹1056। अब नेक्स्ट में स्टेप में करेंगे जूस का निकालेंगे, चॉकलेट्स का निकाल लिया, बिस्किट्स का निकाल लिया, अब निकालेंगे हम जूस का। उसने क्या खरीदा है, सी बोर्ड 6 dozen कार्टन खरीदे जूस के, और एक कार्टन मैंगो जूस की कीमत है ₹325, तो कॉस्ट ऑफ 6 dozen जूस की क्या करेंगे 325 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और 12 से, क्योंकि 12 से क्यों करेंगे, क्योंकि 1 dozen में 1 dozen में 12 होते हैं और उसने 6 खरीदे हैं, तो इसको आप अलग भी कर सकते हैं ऊपर बट साथ करेंगे आपकी मर्जी, साथ भी कर सकते हैं। अब 12 को 6 से करें 72 आ गया, फिर 325 की मल्टीप्लाई कर देंगे 72 से, तो आ जाएगा ₹23,400, ये जो उसके जूस के कार्टन थे उनकी कॉस्ट निकल आई। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि उसने टोटल कितने रुपए पे किए, टोटल अमाउंट सी पेड जो
सबसे पहले चॉकलेट्स की कीमत आई थी वो, फिर जो बिस्किट्स की आई थी वो, और लास्ट में जो जूस की कीमत आई थी वो, इन सबको कर देंगे ऐड। इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 25,104 रुपीज उसने टोटल दिए हैं सारे सामान के लिए। अंडरस्टूड? अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन में बोला गया है अनिल इज अ टाइपिस्ट इन अ कंपनी। अनिल एक कंपनी में टाइपिस्ट है। ही टाइप्स 108 पेजेस डेली। वो डेली 108 पेज टाइप करता है। हाउ मेनी पेजेस विल ही टाइप्स इन 1 वीक? बताओ वो एक वीक में कितने पेज टाइप करेगा। नंबर ऑफ पेजेस अनिल टाइप्स इन 1 डे में कितने पेज टाइप करता है वो, 108। तो 1 वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो नंबर ऑफ पेजेस अनिल टाइप्स इन 7 डेज में कितने करेगा, 108 को 7 से हम करेंगे मल्टीप्लाई। 108 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 756 पेजेस वो 1 वीक में टाइप करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 to 5 हमने इस वीडियो में कवर किए हैं और 6 to 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, जब तक आप प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है, वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि स्टूडेंट्स इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। मुझे जब भी पता चलता जब आप कमेंट करते हैं, जब आप लाइक करते, नहीं तो मुझे क्या पता चलेगा कि कोई देख भी रहा है इसको। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, और नोटिफिकेशन आपके पास आएगा जब वीडियो आएगी, नहीं तो आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। ठीक है, और थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। ओके।